गरीब बटोली के बच्चों के प्रोग्राम को सुन रहे थे। उनके बाद उलमा इकराम के बयानात को भी अपनी समातों के हवाले और आपने बड़ी दिलजोई के साथ बयान समात किए। चंद लम्हा के लिए मैंने हाजिर खिदमत आया हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना मुफद्दल कुरान मुफ्ती नजीर अहमद कादरी साहब, जिनका बयान आपने समात किया, इन्होंने कलाम मुकद्दस का गोजरी तर्जमा और गोजरी तफसीर तहरीर फरमाई है और इन्होंने अपनी मादरी जुबान के अंदर आप लोगों तक पैगाम खुदा और पैगाम मुस्तफा को पहुंचाया है। तो इन्होंने जो कलाम मुकद्दस तहरीर फरमाया है वो इनके पास मौजूद है, जाते जाते उन कलाम पाक का नुस्खा भी देते जाए। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। आपके पास अगर एक आयत भी है उसको भी दूसरों तक पहुंचा दो। मुझे जो हुक्म मिला है, मुझे जिस मौजू पे बात करने के लिए कहा गया है वो मौजू मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन मुख्तसर। बारिश ने भी आपको सताया है और भूख ने भी आपको सताया होगा, इसीलिए मुख्तसरन आपसे ये मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे हुक्म हुआ है कि ये जो दीनी अदारे हैं, दीनी मदरसे हैं, इनके लिए क्या क्या जरूरियत होती है, किस किस चीज की जरूरत है। मेरे हजरात, आप यहां पे शरीफ लाए, मदरसा आपके सामने मस्जिद के सामने नजर आ रहा है जिसपे पिंडाल नीले कलर का फेरोजी कलर का बिछा हुआ है और उसको लंगर बनाया जा रहा है। इसकी तामीर और तरक्की के लिए कुछ खर्चा चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। आपको कोई भी काम करना है उसके लिए पैसे दरकार होते हैं, उसके लिए दौलत जरूरी होती है। जब तक ना आपके पास पैसा होगा तब तक आप कामयाबी की राह पे नहीं पहुंच सकते हैं। जैसा कि अभी आप हजरात ने हाफिज मोहम्मद असलम साहब की जुबानी सुना कि ये मदरसा मकतब की शक्ल में था, उसके बाद इस मदरसे को मुकीम किया गया। मुकीम का ये माना होता है कि जो बच्चे रात दिन जिसको हॉस्टल बोलते हैं, जिनके खाने पीने रहने सहने का इंतजाम सारा मदरसे की तरफ से होता है, वो 30 तलबा हैं जो मदरसे के अंदर कुरान मुकद्दस की तालीम को हासिल करते हैं। हजरत मुफ्ती साहब ने हाफिज कुरान की फजीलत, तलावत कलामुल्लाह की फजीलत बयान फरमाई। आपने सुना कि एक हाफिज कुरान का कितना फैज है और उसकी कितनी बरकत है। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान नबी पे नाजिल फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिल लरअयतहु खाशियां मुतसद्दियां मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों में नाजिल फरमाता ये तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, लेकिन हजरत इंसान को रब्बुल आलमीन ने इतनी ताकत अता फरमाई तो वो हाफिज कुरान बन जाते हैं। और हाफिज कुरान जो पढ़ता है, हिफ्ज करता है, आलिम बनता है, कारी बनता है, इमाम बनता है, वो सही लोग सखावत करते हैं जिनकी फजीलत अभी आप मस्जिद शरीफ के अंदर हजरत से समाप्त कर रहे थे। मैं आपसे और ज्यादा वक्त ना लूंगा, एक आपसे एक सवाल करता हूं। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा था, फरमाया था आपने कि मदरसे में इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि ये मदरसे में पढ़ने के बाद ये मांगते हैं, आपने सुना था नहीं सुना था, लेकिन एक हदीस मुझे याद आ गई, फरमाया कह दो सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाले हाथ से नीचे वाला हाथ अफजल है। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊपर वाला हाथ कौन सा है और नीचे वाला हाथ कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ देने वाला है और नीचे वाला हाथ जो है ये लेने वाला है। तो लेने वाला हाथ देने वाले से अफजल है। कह दो सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जो पैसा खर्च करेंगे, खुदा की कसम, जो दुनिया के अंदर आप पैसा खर्च करते हो वो दुनिया तक ही महदूद रह जाता है, लेकिन जो पैसा आप राहे खुदा में खर्च करते हो उसका फायदा दुनिया में नहीं मिलता है और आखिरत में नहीं, फायदा लेके साथ कब्र में चला जाता है। इसीलिए आइए आज जिस रब ने इतना खूबसूरत मौसम, खूबसूरत बारिश से कितना खूबसूरत मौसम बना दिया, कह दो सुभान अल्लाह। अरे जिस रब ने आपको खिलाफत से उठा के मखलूक के खुदा को अल्लाह के जिक्र की तरफ और ऐसी पुरानी महफिल के अंदर जमा फरमा दिया, आइए उस खुदा की बारगाह में कोई एक बंदा जो अल्लाह के नाम पे मदरसा फैजुल कुरान के लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया अल्लाह के नाम पे पेश करता है, हम उसका नाम दर्ज करते हैं और महफिल में ऐलान होता है, हजरत दुआ करते हैं अल्लाह पाक उसके वालिदैन की बख्शिश अता फरमाए। कोई बंदा हाथ खड़ा, माशाल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। अगर सखियां दौलत जुड़ती नहीं तो बंद बरात ना होवे। मास्टर अब्दुल कयूम साहब, अरे ठहरो यार, रुको, मुझे अपने हिसाब से कर ले दो। मास्टर अब्दुल कयूम साहब अल्लाह के नाम पे अपने वालिद मरहूम के ईसा अलैहि सलाम की खातिर 10,000 रुपया मदरसे की नजर करते हैं, अल्लाह कबूल और मंजूर अता फरमाए। लेकिन सुनो दोस्तों, अल्लाह के नबी के आशिक हो, खुदा के प्यारे नबी के आशिक हो, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले हो, नबी ने फरमाया जब सफर करो तो अपना साथी साथ में तैयार कर लो। कह दो सुभान अल्लाह, अपना साथी, दो आदमी सफर, एक सफर करो दूसरा साथी बना लो, मास्टर अब्दुल कयूम का साथी जो अल्लाह के नाम पे 1100 रुपए की पेशकश करता है। मैं चाहता हूँ मजलिस में सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मास्टर खुदा बख्श 46,000, कह दो सुभान अल्लाह। अरे जब मास्टर अब्दुल कयूम साहब ने ऐलान किया ना, तो देखो ये एक कहते हैं खेल खेलना कुल्लू लाबुन हरामुन, लेकिन ये जो रेस होती है ना, ये रेस लगाना जायज है, कह दो सुभान अल्लाह, रेस लगाना जायज है। मास्टर ख्याली साहब ने सोचा कि मास्टर अब्दुल कयूम साहब सबक लेके, मैं क्यों ना इनका साथी बन के जन्नत में अपने वालिदैन को लेके चला जाऊं। 11,000 पेशकश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालिदे मोहतरम के दराजात को बुलंद अता फरमाए, अल्लाह कब्रों को बुकाई से मनवर अता फरमाए। अब रहा अल्लाह के नाम पे हो गया, अल्लाह के नाम पे हो गया। अब देखो जिस खुदा ने हमें नबी दिया और नबी के नाम पे जिसको हम 12वीं वाला बोलते हैं, कह दो सुभान अल्लाह, थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा आपको, सुभान अल्लाह, 12वीं वाला बोलते हैं। अरे 11वीं वाले 11 का आदत को पूरा कर लिया मार्टिन ख्याली साहब ने, अब हम चाहते हैं अरे पीर मुर्शिद के सामने, बाजी साहब के सामने 12,000 पेशकश कौन करता है जी? 12,000 माशाल्लाह, मास्टर मीर कासिम साहब 12,000 की पेशकश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर अता फरमाए। तालिब हुसैन साहब 12,000 की पेशकश करते हैं, हम मशरूम अली साहब 12,000 की पेशकश कर, अरे सुभान अल्लाह बोल दो, कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल और मंजूर अता फरमाए। अरे यहाँ तो ऐसे दीवाने हैं ये चाहते हैं कि सारा माल ही लुटा के चले जाए, जैसे हजरत उस्मान गनी ने सबसे की राह में खर्च कर दिया था, अल्लाह की राह में खर्च किया। अब मुझे बताओ कितने लोग हो गए? 5 लोग, 5 तन का आदत पूरा हो गया, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी के यार भी 4 होते हैं, नबी के यार 4 होते हैं, आसमानी किताबें 4 हैं, 4 मुकर्रर फरिश्ते 4 हैं, और 4 को भी ये पार कर गए और पांच तन के पास पहुंच गए।
माशाल्लाह। हाजी उमरुद्दीन साहब कह दो सुभान सुभान अल्लाह। अरे हाजी उमरुद्दीन साहब का भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इन सब आ जाएंगे। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर अता फरमाए। वाकई लोग जो हैं दीवाने हैं। अब मेरी एक बात सुनो, मसालुल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह का मसाले हब्बातिन अंबातत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिया हब्बा वल्लाहु युदारिहु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है, थोड़ा माइक ठीक करोगी, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अरे उसकी मिसाल कैसी है, उसकी मिसाल कैसी है। अल्लाह ने कहा मसाली हब्बा तीन अम्बा तक सबा सना मिला ठीक सुन बोला तीन नहीं आता हब्बा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि जो खुदा की राह में खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना जमीन में डाला जाता है, एक दाना जमीन में डाला जाता है और गोजरी मां के उसको एक अंगूर निकला है, उसको एक अंगूर निकला है, उस अंगूर के ऊपर कितनी शाख लगे, कितनी शाख लगे, सात सात शाख लगे, कितनी शाख, सात शाखे लगती हैं और सात में सौ दाने लगते हैं, सात को सौ से जर्ब लगा दो एक का कितना हो गया सात सौ। ये जिन्होंने एक ग्यारह ग्यारह हजार दिया है इनकी जर्ब लगा दो कई हजार बन जाता है। अल्लाह कबूल मंजूर अता फरमाए। तो हमारे आपके इमाम साहब जावेद अहमद कारी जावेद अहमद मोहतरम कारी जावेद अहमद साहब जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत के साथ पहाड़ पंजाब के अंदर ये जाते हैं। मैं गया पंजाब के अंदर, हजरत किबला बाजी साहब का प्रोग्राम ही था, तो इस कदर गर्मी का मौसम, तो ये बेचारे चंदे के सिलसिले में तड़प रहे हैं, चंदे के सिलसिले में, अरे इस मदरसे के लिए खुदा की रजा के लिए भीख मांग रहे हैं। बुजुर्गो पैसा देना और बात होती है, लेकिन अपने वक्त को वक्फ करना और बात होती है। इतनी मेहनत से ये चंदा करके लाते हैं, इनको कदर है, इनको मालूम है कि खुदा की राह में देने से कितना अजर मिलता है। ये पंद्रह हजार की पेशकश कर देते हैं, कहते सुभान अल्लाह, अपने वालिदे मरहूम के इशारे सवाल की खातिर पांच हजार अदा करते हैं और दस हजार अदा करते हैं और पांच हजार इनका बकाया रह जाता है। पकड़ो जी कौन पकड़ने वाला, लिखते भी जाना साथ साथ में। आप कहाँ पहुंचे थे, हम पांच की आदत पे पहुंचे थे। नमाजें कितनी हैं, पांच। नमाजें कितनी हैं, पांच हैं। और नमाज के शरायत कितने हैं, नमाज के शरायत हाफिज साहब, नमाज के शरायत कितने हैं, नमाज के शरायत छह हैं। इसलिए नमाज के शरायत छह हैं, आप पांच के बाद छह पढ़ना है। मुझे छह आदमी दस दस हजार के चाहिए जी। अली मोहम्मद गनाटी साहब, अली मोहम्मद साहब एक, दूसरा बोलो जी क्या नाम है, मोहम्मद हुसैन साहब दो, मनीष शेख साहब तीन, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, जो बताएगी नाम दिख देख बताओ जी अपना। मोहम्मद अशरफ साहब कितने हो गए, अरे गिना भी करो ना यार, चार। उनके पीछे कितना हो गया, नाम लिखता रहे ना, मुश्ताक अहमद साहब छह, सुबह कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्होंने तो छह के आदत को पूरा कर दिया, इन्होंने नमाज पढ़ने की तैयारी कर दी। अभी तो नमाज पढ़ के आए ना, लेकिन नमाज के फराइज कितने हैं, शरायत कितने हैं, छह, फराइज कितने हैं, सात हैं। अब साल का आदत पूरा करने के लिए दस दस हजार रुपए वाले कितने लोग निकलते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुनीर अहमद शेख साहब का ग्यारह हजार का ये चेक लो लो जी, मुनीर अहमद शेख साहब का ग्यारह हजार का चेक लो। अच्छा, इसमें हमारे वाइस प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल चिल्ली मिस्टर जहूर अहमद शेख साहब बीस हजार की पेशकश कर देगा। अरे सखावत जो होती है ना, सखी बताया
के सखावत की जड़ें जन्नत में होती हैं और सखावत की शाखें दुनिया में होती हैं। जो सखी होता है वो शाखें पकड़ के जन्नत में चला जाता है, सुभान अल्लाह, वो शाखें पकड़ के जन्नत में चला जाता है, कहते सुभान अल्लाह। तो ये 20,000 की पेशकश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर अता फरमाए। इनके साथ और कौन जाना चाहता है, इनके साथ और भी मैंने कहा आज की ना कि सखावत जो है, सखावत की जड़ें जन्नत के अंदर हैं और शाखें दुनिया के अंदर हैं। जो सखी होता है ना वो जड़ शाखें पकड़ के जन्नत में चला जाता है और साथ